गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। इसमें हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसमें डेली करंट अफेयर, आज है 24 दिसंबर और हम पढ़ेंगे 23 दिसंबर की डेली करंट अफेयर, ठीक है। इसमें आपको अभी डेली करंट अफेयर के, फिर बाद में लूसेंट के नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। भारत में हर वर्ष, भारत के हर वर्ष में हर वर्ष 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है। ये राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 जुलाई 1978 से 14 जनवरी 1980 तक एक किसान थे जो कि भारत में पीएम के पद पर कार्यरत रहे थे इतने से इतने सन में एक किसान थे जो कि कार्य रहे थे। इनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी को लिए मतलब राष्ट्रीय किसान दिवस पर, ठीक है, क्या किया केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री, कौन से? केंद्रीय कृषि कल्याण केंद्रीय और किसान कल्याण मंत्री, क्या नाम है इनका? केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री, ठीक है। इनका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, इनके द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 दिसंबर को कितनी इन्होंने मतलब 23 दिसंबर इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 दिसंबर को एक पुस्तक का विमोचन किया, ठीक है। क्या नाम है इस पुस्तक का? कितनी तारीख को? इन्हें 2 दिसंबर को मतलब 22 दिसंबर को एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसको 23 दिसंबर पर इन्होंने प्रकाशित कर दिया, ठीक है। एक पुस्तक का नाम क्या है? स्पाइस स्ट्रेटजी स्टैटिक्स स्पाइस स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2021, ये क्या है? एक पुस्तक जिसका इन्होंने 22 दिसंबर को क्या की मतलब एक तरीके से इन्होंने 22 दिसंबर को इस पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक को 23 दिसंबर को क्या किया? प्रकाशित कर दिया, ठीक है। मतलब इनको ये पुस्तक अच्छी लगी। इसमें एक पॉइंट और है, प्रकाशित कर दिया इस पुस्तक में 2020 से 21 तक के 7 वर्षों के मसालों का क्या है? विवरण, मसालों का विवरण है। मसालों की वृद्धि का क्या है? विवरण है, ठीक है। किसमें? इस पुस्तक में 7 वर्षों में मसालों की वृद्धि का विवरण है। किसमें? स्पाइस स्ट्रेटजी एट ए ग्लांस ऑफ 2021 में इस चीज में क्या है? इस 7 वर्ष में मसालों के वृद्धि का विवरण है, ठीक है। जो कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस किताब का 22 दिसंबर को विमोचन किया गया, जिसके बाद 23 दिसंबर को इसको प्रकाशित कर दिया गया, ठीक है। तेईस दिसंबर को किसान राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में इनने इस पुस्तक को प्रकाशित कर दिया, ठीक है।
हांगकांग, हांगकांग ने एक ऐसा मटेरियल विकसित किया है, ठीक है, हांगकांग के विश्वविद्यालय ने। हांगकांग के विश्वविद्यालय ने एक ऐसा मटेरियल विकसित किया है, एक स्टेनलेस स्टील विकसित किया है जो कि कोविड-19 के वायरस को मारने में सक्षम है। ठीक है, क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील विकसित किया है जो कि क्या कर सकता है, जो कि कोविड-19 के वायरस को मार सकता है। ठीक है, और इस स्टेनलेस स्टील की क्या खासियत है, हांगकांग विश्वविद्यालय की एक परियोजना टीम ने एक स्टेनलेस स्टील विकसित किया है जो कि क्या कर सकता है, कोविड-19 के वायरस को सतह पर ही मार सकता है। सतह पर ही क्या कर सकता है, सतह पर ही मार सकता है। ठीक है, इस वायरस को सतह पर ही मार सकता है, यह अपनी सतह में। यह अपनी सतह पे, सतह पर क्या करता है, सीवियर एक्यूट एक्योर रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम कोरोना वायरस। ठीक है, मतलब ये अपनी सतह, सीवियर एक्यूरेटी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू सारा सार को को टू को भी यह अपनी सतह पर मार सकता है, मतलब कि कोविड-19 के वायरस को तो मार सकता है, साथ में ये वाला वायरस जो कि कोविड-19 का वेरिएंट है, ठीक है, इस वायरस को भी यह मार सकता है। इसमें एंटी क्या है, इसमें एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील H1N1 वायरस, H1N1 वायरस और इकोलाई वायरस को भी यह क्या कर सकता है, निष्क्रिय, अपनी सतह पर निष्क्रिय कर सकता है। यह एंटी कोविड स्टेनलेस स्टील NH नहीं H1N1 वायरस, H1N1 वायरस और इकोलाइट वायरस को भी यह अपनी सतह पर क्या कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है। ठीक है, यह अपनी सतह पर इस वायरस को भी निष्क्रिय कर सकता है। केंद्रीय वित्तीय क्या हुआ अभी, पीएम मोदी द्वारा पीएम जनधन योजना के तहत, जनधन योजना के तहत अभी तक 44 करोड़ से भी ज्यादा खाते खुल चुके हैं। कितने, पीएम जनधन योजना के तहत अभी तक 44 करोड़ से भी ज्यादा खाते खुल चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट में खातों की संख्या कितनी है, खातों की संख्या 44.05 करोड़ खाते, ठीक है, और कुल शेष कितने हैं, कुल शेष राशि कितनी थी, 1.47
01 2 करोड़ थी, ठीक है। या क्या यह कुल शेष राशि कितनी थी? इतनी थी, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, कुल शेष मतलब कुल शेष, हाँ कुल शेष राशि, सही बात है, कुल शेष राशि इतनी है अभी, मतलब इन खातों में भी 44 करोड़ खाते खुल चुके हैं जिनमें अभी राशि डालना बाकी है। कितने खाते हैं, कितने खाते हैं? 44 करोड़ से ऊपर हैं, जिसमें से 1,47,012 करोड़ रुपए अभी और डालना बाकी है, ठीक है, इन खातों में बाकी है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा खाते किस राज्य में खुले, ये भी तो होगा, सबसे ज़्यादा खाते किस राज्य में खुले? सबसे ज़्यादा खाते यूपी नंबर फर्स्ट पे, बिहार नंबर सेकंड पे, सबसे ज़्यादा खाते यूपी में खोले गए, ठीक है, और इसके बाद बिहार में खोले गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नासा, नासा और इसरो, नासा इसरो अब एक साथ मिलकर एक अनुसंधान प्रोग्राम के तहत अनुसंधान कार्यक्रम या प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम के तहत ये लोग क्या कर रहे हैं, एक के तहत कार्यक्रम के तहत भागीदारी के रूप में, मतलब अपने ये कार्यक्रम अनुसंधान कार्यक्रम के तहत भागीदारी के रूप में इन्होंने केरल केरल का कुफो चुना है, ठीक है। मतलब जो भी नासा अपना नासा और इसरो अपना कोई भी काम करेगा तो वो केरल के कुफोस में करेगा, ठीक है। ये लोग नासा और इसरो क्या कर रहे हैं इस अनुसंधान कार्यक्रम के तहत, इस अनुसंधान कार्यक्रम के तहत ये लोग एक अंतरिक्ष रेडार, अंतरिक्ष जनित सिंथेटिक, अंतरिक्ष जनित सिंथेटिक एपचर रेडार, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, NSNISAR, ठीक है। ये अगर नासा और इसरो अनुसंधान कार्यक्रम के तहत केरल के कुफोस को चुन रहे हैं, जिसके एक अंतरिक्ष जनित सिंथेटिक एपर्चर रडार विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो अंतरिक्ष को खंगाल लेके काम में आएगा, मतलब एक रडार होगा जो पृथ्वी के चारों पृथ्वी से और पृथ्वी के चारों ओर, और मतलब इसकी इसी तरह से विकसित कर रहे हैं कि मतलब सूरज सूरज के आने वाले उस 9 ग्रहों को यह कवर कर सके, मतलब इतना शक्तिशाली रडार विकसित कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि और इस रडार को कब लॉन्च करना है, अभी बना नहीं है ये लॉन्च, मगर इन्हें 2023 में इसको लॉन्च करना है, अंतरिक्ष में इसको लॉन्च करना है, इस रडार को लॉन्च करना है। ये क्या करेगा, ये रडार क्या करेगा, ये रडार ये करेगा, ये डेटा का उत्पादन करेगा, ठीक है, जो कि मतलब हद से ज्यादा जो कि उच्च डेटा होता है ना, उसको ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा और नीचे धरती पर भेजेगा, जिससे कि इमेज वगैरह क्रिएट करने में इससे मदद मिलेगी, ठीक है। पीएम मोदी द्वारा क्या किया है, मोदी द्वारा इन्होंने यूपी के बनारस में, वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में राज्य औद्योगिक, क्या खोल रहे हैं, राज्य औद्योगिक राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
पीएम मोदी यूपी के वाराणसी राज्य में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्क में क्या कर रहे हैं ये, इसमें डेयरी, काशी संकुल, डेयरी काशी संकुल की स्थापना करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, डेयरी काशी संकुल की इस कॉम्प्लेक्स की संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स की स्थाप आधारशिला रखेंगे। ठीक है, इस आधारशिला में इसमें कितना होगा, इसमें क्या क्या होगा, डेयरी की लागत कितनी होगी, डेयरी की लागत कितनी होगी, इसकी डेयरी की लागत होगी 375 करोड़ रुपये, 475 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। ठीक है, इस डेयरी की जो कि पीएम मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी जाएगी। ठीक है, और इसकी लागत ये होगी, और यह प्रतिदिन प्रतिदिन कितनी कितनी 3 लाख लीटर, सॉरी 5 लाख लीटर दूध, यह प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध का उत्पादन करेगी। ठीक है, और ये बायोगैस, उत्पादित बिजली होगी इसमें, इसमें बायोगैस उत्पादित क्या होगी, इसमें बिजली होगी। ठीक है, ठीक है, आज कितने पॉइंट खत्म है, इसमें आपको डेली करंट अफेयर रोज मिलेगी और आपको एक सप्ताह की करंट अफेयर मिलेगी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो सप्ताह की करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स।